आज हम लोग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप हेलो। लोग? हम फाइन सर। वेरी नाइस। तो आज आप लोगों का ये नया टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, यस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, यस सर। और इसके बाद हम करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। और सॉलिड्स और लिक्विड्स के बाद ये जो आपका फेज है, ये वाला फेज, सेकंड वाला कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका फेज टेस्ट होगा। तो इसलिए आप इसकी प्रिपरेशन अभी से कर लेना। सर, टेस्ट का एक क्वेश्चन पूछना था। आपका कब टेस्ट हुआ अभी? लास्ट मंडे। वो तो पहले हुआ था, पहले डिस्कस नहीं किया था टेस्ट का? अच्छा, नो सर, टेस्ट के बाद याद पहली क्लास। नहीं, लास्ट वीक आपके टेस्ट कहाँ थे? लास्ट वीक तो फेस टेस्ट हुआ ना सबका। इस वीक तो, एक मिनट, यस टेस्ट हुआ था? सर। अच्छा, एक मिनट निकालता हूँ। किस डेट को था आपका टेस्ट, याद है आपको? मंडे को था सर। 1 मिनट में देख लेता हूँ हाँ, देखने दीजिए। सर। टेस्ट 10 था। एक मिनट, अच्छा, टेस्ट 10 जो है, सर। सर, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में सी और डी ही करा था सर। ऑप्शन टिक पर उसमें वो सिलेक्ट रॉन्ग यस दिखा रहा। एक्चुअली वैसे ये क्वेश्चन चेंज हो गया, एक्चुअल में ये अभी कराया नहीं था आपको, क्योंकि इसमें मोर देन वन को ऑप्शन है ना, आपको तो सिंगल ऑप्शन करेक्ट करने थे, इसलिए नहीं आ रहा होगा। ये क्वेश्चन चेंज बदल गया था उसमें। ठीक है, सर, अभी हमने टॉप लाइन पढ़ी नहीं है ना ऐसे। हाँ, अभी आप लोगों का ये कुछ बैच का तो नहीं हुआ था ना? नो सर। हाँ, तो ये टॉर्क का एप्लीकेशन है, बेसिकली टॉर्क का एप्लीकेशन है। तो वो रीस्टोरिंग टॉर्क, वो अगर कम हो जाएगा तो टॉपल कर जाएगा। जो उसे टॉपल करने वाला टॉर्क है, डिस्टर्बिंग टॉर्क, वो रीस्टोरिंग टॉर्क से अगर कम होगा, वो ज्यादा होगा डिस्टर्ब करने वाला, तो टॉपल हो जाता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से टॉर्क निकालते हैं, और जो दूसरे जो और फोर्सेस लग रही होती हैं उसको, उससे टॉर्क निकालते हैं, उनको कंपेयर करते हैं। तो इसको अभी ये एक्स्ट्रा, ये गलत आ गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, जाने दो। और कोई डिफिकल्टी है? तो किसी और क्वेश्चन में डाउट है आप लोगों को? सर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन, एक मिनट।
एन एयरप्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एट 30 मीटर पर सेकेंड एट अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर टुवर्ड्स अ टारगेट ऑन द ग्राउंड विच इज इंटेंडेड टू बी बम द वेलोसिटी विद विच द बम हिट्स द टारगेट. तो जिस बम को हम ड्रॉप कर रहे हैं उसकी हाइट दी है हमें 1 किलोमीटर और ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वेलोसिटी दी है, तो ये वेलोसिटी का वी एक्स कंपोनेंट 30 मीटर पर सेकेंड होगा और जो वी वाई कंपोनेंट होगा जब ये बम यहाँ पे हमने ड्रॉप कर दिया तो ये ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन में जाके स्ट्राइक करेगा. जब ये स्ट्राइक करेगा तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वी एक्स और वी वाई. तो वी वाई इस हाइट से निकाल लोगे, वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh वाई डायरेक्शन में, h हाइट आपको गिवन है तो इससे वी वाई निकाल लोगे और जब वी एक्स और वी वाई आ जाएगा तो इनका रिजल्टेंट वो आपको फाइनल वेलोसिटी देगा. ठीक है, इससे कर लेंगे. क्लियर है ये सब मेथड? तो क्लियर, वो आंसर थोड़ा गलत आ रहा था. आंसर? तो बाकी लोगों से चेक करना है. आप लोगों का आया आंसर स्टूडेंट्स? हाँ, बाकी लोगों का आ रहा है तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेंगे आंसर सही है. ठीक है, ओके सर. हाँ, और किसी की कोई डिफिकल्टी सर? A boy wants to cross a river in such a way that he could reach exactly at the opposite point B. The angle that he should make from the AB. क्या एंगल बनाए वो कि सीधे B पर जाए? तो इसमें देखें, अगर हम ये ट्राइंगल कंप्लीट करते हैं इसका, यहाँ पे ये VB वेलोसिटी है, बोट की वेलोसिटी, इसमें ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो ऐसा आना चाहिए वर्टिकल ए टू बी डायरेक्शन में. लेकिन ये टेन गिवन है और ये थीटा है, तो ये इस टेन का जब कंपोनेंट लेंगे इधर, टेन साइन थीटा तो वो इस 12 से कम ही आएगा. तो यहाँ पे तो ये 12 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि ये तो 10 से कम होना चाहिए था रिवर की वेलोसिटी, तब ये ऐसा होता. तो रिवर की वेलोसिटी तो ज्यादा है, तो इसलिए ये इसमें ऐड होके ये फाइनली ऐसे चला जाएगी बोट, तो सीधे इसके अक्रॉस नहीं जा पाएगा ये, क्योंकि ये 10 साइन थीटा जो रिवर की वेलोसिटी है, ये 10 साइन थीटा यानी 10 से कम होनी चाहिए तभी आंसर आता. ठीक है, yes. हाँ, ये हमने किया था ना, ये सीधे अगर शॉर्टेस्ट पास से आ रहा है तो ये बोट की वेलोसिटी प्लस रिवर की वेलोसिटी और ये राइट ट्रायंगल बन जाता है, तो ये हाइपोटेन्यूज है. तो ये अगर 10 है तो ये 10 से कम होना चाहिए, लेकिन हमारे क्वेश्चन में ये ज्यादा दिया है, इसलिए ये ट्रायंगल यहाँ तक नहीं रहेगा बल्कि ये आगे आगे यहाँ तक फॉर्म हो जाएगा. ये अगर मैं इसको पी ले दूं तो ये क्यू पॉइंट तक फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, और किसी का कोई डाउट है? ये क्लियर हुआ इसका डाउट था? यस सर. हाँ, कोई डाउट बाकी है? हो गए सारे डाउट? तो मैं मान रहा हूँ डाउट हो गए आप लोगों के. ठीक है, हम लोग क्लास में चलते हैं.
मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो इसमें हम सॉलिड की ऐसी प्रॉपर्टी यूज स्टडी करेंगे जिसको हम, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लूं तो क्रेन है, क्रेन जो लोड उठाने के काम आती है क्रेन, तो अगर क्रेन की अलग अलग कैपेसिटी होती है 10 टन 20 टन ऐसे अलग अलग कैपेसिटी होती है, तो उसका जो वायर होगा जिससे हम वो 10 टन का लोड उठाएंगे क्रेन से, तो वो वायर की स्ट्रेंथ हम कैसे चेक करेंगे, कितनी स्ट्रेंथ है वो, कितना लोड ले पाएगा, ये सब हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो क्रेन, क्रेन की जो कैपेसिटी होगी वो कैसे डिसाइड करें, उसका जो वायर रोप होगी उस रोप का डायमीटर कितना रखें, कौन सा मटेरियल यूज करें, स्टील में भी कौन सा स्टील हमने यूज किया है, फिर उसके हिसाब से उसकी क्या डायमीटर होनी चाहिए और उस डायमीटर के हिसाब से वो कितना लोड बियर करेगा, ये सब हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। और इसी तरह से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे वॉच है, उसे तो वॉच को अगर वाटर के अंदर ले जाएं या गिर पड़े वो, या हम स्विमिंग करते हुए वाटर के अंदर जाते हैं, वॉच अगर वाटर के अंदर जाती है तो वाटर पे लिखा होता है कि ये अप टू 30 मीटर प्रेशर बियर कर लेगी ये वॉच, या 20 मीटर वाटर का प्रेशर बियर कर लेगी। तो ये जो कैपेसिटी होती है, ये कितना प्रेशर बियर करेगी, कितना बियर नहीं कर पाएगी, उसका जो ग्लास फ्रेम होता है वो कितना स्ट्रेस बियर कर पाएगा, ये सब हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या चीज होती है। तो स्ट्रेस फाइंड करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज ये हमारे पास स्टील का वायर है और यहां पर हमने 100 केजी का वेट इसके ऊपर लगा दिया स्टील वायर के ऊपर, तो इस लोड की वजह से ये जो वायर है, क्योंकि ये वेट है इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा और वो जो वेट होता है वो है हमारा mg, मास 100 और g की वैल्यू अगर मैं 10 ले लूं तो 1000 न्यूटन, यानी एक अच्छा खासा वेट इसके ऊपर वर्क कर रहा है। तो इस वर्क की वजह से जो स्टील का वायर है इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स इंड्यूस हो जाती है, रीस्टोरिंग फोर्स जो इस अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है, क्योंकि वो बैलेंस करेगी। और ये रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल होती है अप्लाइड फोर्स के, जो भी हमने यहां फोर्स अप्लाई की। इसकी वजह से इस वायर के अंदर एक स्ट्रेस इंड्यूस हो जाता है इस फोर्स की वजह से, और उस स्ट्रेस को हम कैसे मेजर करते हैं, जो भी हमने फोर्स अप्लाई की अपॉन इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये एक इसकी यूनिट प्रेशर की तरह होती है। तो अप्लाइड फोर्स अपॉन, यहाँ पे हम एरिया लेते हैं, तो ये जो फोर्स अपॉन एरिया है इसे हम स्ट्रेस कहते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, जो फोर्स हमने अप्लाई की उसकी वजह से ये वायर इसको अपोज करेगा, और इस फोर्स की वजह से इसकी जो भी ओरिजिनल लेंथ होती है उसमें स्लाइट इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज जिसमें हमने फोर्स लगाई और लेंथ में इंक्रीज हो गया, ऐसे टाइप के स्ट्रेस को हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस। तो स्ट्रेस हमारे कई तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, तो पहले तो हमने ये निकाला स्ट्रेस होता क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स को हम
ऐसा यूनिट न्यूटन लेंगे, एरिया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी ऐसा यूनिट है जिसे हम पास्कल भी कहते हैं। तो प्रेशर की भी सेम यूनिट है, इसे हम स्ट्रेस कहते हैं। इतना स्ट्रेस इसके अंदर इंड्यूस किया था, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स इंड्यूस हो गई इसके अंदर इसको बैलेंस करने के लिए, उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। और स्ट्रेस कई तरह का होता है, जैसे एक टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस जब ऐसा स्ट्रेस जो लेंथ को इंक्रीज कर रहा हो, यानी टेंशन की तरह काम कर रहा हो, इस पे हमने ये वायर है कोई, इस पे दोनों तरफ फोर्स ऐसी लग रही है कि ये इसकी लेंथ को इंक्रीज कर देती है, और ये इंक्रीज बहुत स्मॉल होता है, और जब तक हमने ये फोर्स लगाई है तब तक ये वायर में लेंथ में इंक्रीमेंट होगा। जब हम ये फोर्स हटा देंगे तो फिर वायर अपनी फिर ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। तो ये जो लेंथ इसकी इंक्रीज्ड होती है, उस टाइम जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा, ऐसी फोर्स जो इसकी लेंथ को इंक्रीज करने वाली है, उसे हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। ये वायर कोई भी मटेरियल का हो तो इंक्रीज होएगा ही। हाँ, ये स्टील हो कोई भी वायर हो, अगर हमने इस पे दोनों तरफ फोर्स इससे अवे लगाई तो लेंथ इंक्रीज होगी ना इसकी। इसकी लेंथ बढ़ाने वाली फोर्स लगा रहे हैं हम, दोनों तरफ खींच रहे हैं इसे। सर बट अगर वो रिस्टोरिंग फोर्स से ज्यादा होगा तभी परमानेंट चेंज आएगा ना उसकी लेंथ में। परमानेंट चेंज नहीं आएगा इसमें, जो भी हम फोर्स लगाई वो उस फोर्स के इक्वल रिस्टोरिंग फोर्स होगी। तो हम जो फोर्स लगाते हैं वो जनरली इलास्टिक रेंज में लगाएंगे, है ना, मतलब हम ऐसी रेंज में ही लगाते हैं कि वो जो मटेरियल है वही तो हमें चेक करना है कि हम फोर्स ऐसी लगाएं कि परमानेंट डिफॉर्मेशन ना आए। तो जब हम फोर्स हटा लेंगे तो फिर वो फिर ओरिजिनल पोजीशन में जाएगा। तो जब लेंथ हम इंक्रीज करने वाली फोर्स लगाते हैं, यानी ऐसी फोर्स लगाएं जिससे लेंथ बढ़ जाती है, तो उससे हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं, ऐसी वाली फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस आया। और सब तरह के स्ट्रेस ऐसे निकाल लें, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। आता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस यानी कोई ऑब्जेक्ट है उसे दोनों तरफ ऐसी फोर्स लगाएं कि उसकी लेंथ डिक्रीज हो जाए। तो जैसे बिल्डिंग में कॉलम्स होते हैं, पिलर जो होते हैं बिल्डिंग में, तो ये पिलर है अगर, तो इसके ऊपर ये लोड लग रहा होता है, ये रूफ या कोई जो भी हमने ऊपर फ्लोर होगा उस फ्लोर का लोड इस पिलर की वजह से आता है, जिसे हम कॉलम कहते हैं। तो घर में जो कॉलम्स होते हैं, जो भी हाउसेस बनते हैं, तो ये जो फोर्स है ये कैसे लग रही है, इसको कंप्रेस कर रही है, इसकी तरफ लग रही है। टेंसाइल फोर्स कैसी होती है, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, और ये टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट है। तो ये ऐसे कॉलम दोबारा बता दीजिए, समझ में नहीं आ रही है। हाँ, ये कॉलम जो बिल्डिंग्स होती हैं या पिलर होते हैं, बिल्डिंग जब हम बनाते हैं तो कुछ पिलर्स बनाते हैं ना, उसके ऊपर फिर ये रूफ बनाते हैं, तो रूफ का जो वेट होता है वो पिलर के थ्रू ग्राउंड में आता है। तो ये जो लोड लग रहा है, अगर हम किसी भी चीज के ऊपर लोड लगाएं ऊपर से, तो वो उसकी लेंथ कम हो जाएगी ना, बढ़ेगी थोड़ी, हम इसे दबा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो इसकी लेंथ डिक्रीज हो जाती है। यानी ऐसी फोर्स जो दोनों तरफ से लगाई जाए तो उसकी लेंथ डिक्रीज करने वाली फोर्स हो, ऐसी फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस आएगा उसे कंप्रेसिव स्ट्रेस कहेंगे। ओके सर। हाँ, यानी कंप्रेसिव फोर्स लगाए हम अपॉन एरिया। तो ये बहुत आसान है, बस ये याद रखना, स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया। चैप्टर आपको बहुत आसान लगेगा ये। तो फोर्स अपॉन एरिया उसे स्ट्रेस कहते हैं। अब हम ये स्टडी कर रहे हैं कितने कैसे कैसे टाइप के स्ट्रेस होते हैं। ऐसा स्ट्रेस या फोर्स जो किसी की लेंथ इंक्रीज कर रहा हो उसे टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। क्यों? कि जो फोर्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लगती है वो टेंशन होती है, इसलिए टेंसाइल स्ट्रेस नाम आ गया।
अगर फोर्स ऐसी लग रही है उसकी लेंथ डिक्रीज कर रही है ऑब्जेक्ट की, तो उसे हम कंप्रेसिव स्ट्रेस कहेंगे। सर यस सर, प्रेशर और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है? प्रेशर आ रहा है लोड की वजह से, जैसे लिक्विड है तो लिक्विड के अंदर जो है वो प्रेशर आ रहा है। यहाँ पे हम ये जो वायर है या सॉलिड ऑब्जेक्ट है इसमें हमने लोड लगाया, इस लोड को ये बियर कर रहा है, यानी ये इसे ओपोज कर रहा है, ये फोर्स लगाई ना तो इसको इसको बैलेंस करना पड़ रहा है। तो ये इस तरह के जो वायर्स होंगे या ऑब्जेक्ट होंगे जिसपे हम लोड लगाते हैं, वहां पे जो फोर्स होगी वो स्ट्रेस है, और जो लिक्विड्स वगैरह हैं उनकी वजह से फोर्स लग रही है वो, या वेट की वजह से खाली फोर्स लग रही है वो प्रेशर है। जैसे हमने एक वाटर लिया, 2 मीटर का टैंक लिया, उसमें वाटर फिल कर दिया, तो वाटर की वजह से जो सरफेस होगी और वॉल्स होंगी वहां पे जो फोर्स लग रही है वो वाला, वो प्रेशर वाला है। ठीक है, ओके सर। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस जो ऑब्जेक्ट में चारों तरफ से लग रहा हो वो यूनिफॉर्मली फ्रॉम ऑल साइड। सर ये जो कंप्रेसिव और टेंसाइल है ये नॉर्मल स्ट्रेस के अंडर ही आते हैं ना? हाँ, ये नॉर्मल स्ट्रेस की तरह है। बॉडीज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स फ्रॉम ऑल साइड्स। तो ऐसा कब होता है? ऐसा वाटर की वजह से या एयर की वजह से होगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो प्रेशर की वजह से लग रहा है, वही प्रेशर है, तो यहाँ प्रेशर स्ट्रेस का काम करेगा। मान लें ये बड़ा सा हमारा वाटर टैंक है, काफी बड़ा सा, और इसके अंदर हमने एक ये कोई फुटबॉल है या कोई बॉल है वो इसके अंदर डाल दी हमने, तो इस बॉल के ऊपर जिस भी ये डेप्थ पर होगी चारों तरफ से एक फोर्स लग रही होगी, ये प्रेशर लग रहा है वाटर का, तो हर तरफ से इसके ऊपर फोर्स लगती है, तो उसे उसकी वजह से जो स्ट्रेस आया वो हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस है। तो यहाँ पे जब हम प्रेशर जो स्ट्रेस निकालेंगे वो प्रेशर ही निकालेंगे, प्रेशर ही यहाँ पे स्ट्रेस का काम करेगा, और उसका प्रेशर का क्या काम होगा, स्ट्रेस कब हम उसे लेते हैं, जब वो इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है और इसका जो वॉल्यूम लेंथ एरिया कुछ डिक्रीज कर रहा है। तो अगर ये हम स्फीयर ले लें तो चारों तरफ से प्रेशर लगेगा, तो उसकी वजह से उसका वॉल्यूम स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होगा उसे हम हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कहेंगे। ठीक है सर, ये वाटर में हो रहा है स्ट्रेस? हाँ, ये वाटर में, हमने एक एग्जांपल ले लिया, ये वाटर में लग रहा है। कहीं से भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चारों तरफ से जो फोर्स लगती है उसे हम हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कहते हैं। सर जब ये हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस लगेगा तो इसमें तो डिक्रीज इन वॉल्यूम होना चाहिए शायद। हाँ, तो इसका चारों तरफ से लगेगा तो वॉल्यूम कम हो रहा है, यही तो डिस्कस किया। नहीं सर, ये जो बॉल का है इसकी तो, हाँ इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। सर मतलब इसमें डिफॉर्म हो जाएगा ना, वो डिफॉर्मिंग फोर्स ज्यादा हो जाएगी रिस्टोरिंग फोर्स, है ना? नहीं, रीस्टोरिंग फोर्स से ज्यादा नहीं होगी, ये जो हमने प्रेशर लगाया है ना इसके ऊपर, ये इसके अंदर ओपोज तो कर रहा है, तो वो जो जो हमारा प्रेशर है उसके बराबर प्रेशर इसके अंदर इंड्यूस हो गया, वो रिस्टोरिंग स्ट्रेस हो गया जो भी ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन वो कंप्रेस भी होगा, चारों तरफ से प्रेशर लग रहा है तो वो उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर देगा। जैसे जो स्विमर होते हैं वो अगर ज्यादा नीचे आते हैं तो वो एक कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं ना वाटर में, तो अगर उन्हें सी में काफी काफी नीचे जाना होता है तो कॉस्ट्यूम इसीलिए पहनते हैं, जैसे ऐसे वो और नीचे आएंगे वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो उनकी बॉडी बियर कर सके,
अब जैसे वेल्स होती हैं, वेल्स तो उनकी स्किन बहुत थिक होती है, तो वो कई कई किलोमीटर यानी जो बहुत हाई प्रेशर होता है वाटर की वजह से काफी नीचे रहती है वाटर के अंदर, तो वो हैवी प्रेशर बियर कर सकती है उनकी स्किन, इतनी टफ स्किन होती है उनकी। नॉर्मल पर्सन ज्यादा नीचे नहीं जा सकता नॉर्मल ऐसे ही विदाउट कॉस्ट्यूम, तो उसे एक स्पेशल कॉस्ट्यूम पहनना पड़ता है जिससे कि उसका एक प्रोटेक्शन गियर रहे, तब वो ज्यादा नीचे आएगा। तो कुछ मीटर तक तो जा सकते हैं, बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा सकते। सर अगर ज्यादा हाँ, नीचे चलेगा बिना कॉस्ट्यूम के? तो हमारे जो ब्लड है ना वो बाहर आ जाएगा, सब स्किन क्रैक आ जाएगा बॉडी में, स्किन हमारी, हाँ स्किन में क्रैक्स शो हो जाएंगे, जैसे प्रेशर नीचे बढ़ता जाएगा ना, तो हमारी कैपेसिटी नहीं होगी को बियर करने की। सर तो जब ज्यादा हाइट पर जाते हैं तब भी होना चाहिए ऐसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से? तो जैसे हम हाइट पे आते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या बढ़ जाता है ऊपर जाने से? सर जैसे बढ़ना तो चाहिए। बढ़ना तो चाहिए नहीं, कम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब ऊपर जाते हैं ना, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे प्रेशर वहां कम हो जाएगा, तो वहां कम होने की वजह से कभी कभी माउंटेन्स पे आते हैं तो कम होने की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर हाई है बाहर का प्रेशर कम है, तो इसकी वजह से ब्लड आने लगता है नाक से, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए जो माउंटेनियर्स हैं उनको बहुत ऊपर जाने पे वो ऑक्सीजन वगैरह लेके जाते हैं अपने साथ, और वहां पे वो भी कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं जब ऊपर जा रहे होते हैं, तो उनको ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वहां पे प्रेशर कम हो गया होता है। ओके सर। हाँ, तो नेक्स्ट टाइप का स्ट्रेस हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेस, जैसा कि नाम है टेंजेंट की डायरेक्शन में लगे, सरफेस के पैरेलल लगे, और इसी को हम शियरिंग स्ट्रेस भी कहते हैं। शियरिंग स्ट्रेस तो इसमें जो फोर्स है या डिफॉर्मिंग फोर्स है वो टेंजेंशियल टू द सरफेस लगती है। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे कि बोर्ड पे कुछ लिखा, क्लास में व्हाइट बोर्ड हुआ, उस पे उसके ऊपर कुछ लिखा, फिर उसको रब करने के लिए जो डस्टर का यूज करते हैं, तो उस डस्टर से जो फोर्स लगाते हैं वो सरफेस के पैरेलल लगाते हैं, है ना, सरफेस के पैरा लगाएंगे, रब करते हैं उसे, तो तभी वो हम उसे इरेज कर पाएंगे जो भी लिखा है, तो वहां पे टेंजेंशियल स्ट्रेस लग रहा है। तो ये डिफरेंट टाइप के स्ट्रेसेस हैं। यहां तक क्लियर है सबको? और स्ट्रेस लगाने से जो चेंज आता है उससे हम स्ट्रेन से मेजर करते हैं, स्ट्रेन से। स्ट्रेन है हमारा चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, तो हमने स्ट्रेन का जब डायमेंशन हमने स्टडी किया था तो डायमेंशन में हमने स्ट्रेन के लिए सिंपल सा फॉर्मूला स्टडी कर लिया था, क्या था, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ डेल्टा एल बाई एल, तो सर। वो एक टाइप का स्ट्रेन है, लेकिन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम वो भी एक टाइप का स्ट्रेन है, और चेंज इन लेंथ अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो भी एक टाइप का स्ट्रेन है। तो इन सब में कॉमन चीज ये है कि एक
डायमेंशन में चेंज हुआ उससे, और जो पहले डायमेंशन थी उससे नीचे रखते हैं उसके रेशियो को हम स्ट्रेन कहते हैं। तो स्ट्रेन क्योंकि दोनों की ये जो यूनिट होगी, अगर लेंथ में चेंज है नीचे भी लेंथ होगी, तो ये हमेशा डायमेंशन लेस क्वान्टिटी है। तो ऐसी क्वांटिटी जो दोनों की यूनिट सेम है, जैसे कि हमने अभी वायर के, वायर में अगर 100 केजी हमने कहा था, स्टील का वायर लिया, 100 केजी लोड लगाया, मान लें उसकी लेंथ 2 मिलीमीटर इंक्रीज हो गई, 2 मिलीमीटर, और लोड लगाने से पहले वो वायर 2 मीटर लेंथ थी उसकी, स्लाइट चेंज होगा उसमें, तो वो जो चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ है वो स्ट्रेन होगा। तो उस टाइप के स्ट्रेन को हम यहाँ पे लिखने वाले हैं अभी, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। अलग अलग टाइप की फोर्स लगाने से अलग अलग टाइप के स्ट्रेन आते हैं। तो उसे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। क्योंकि वो लेंथ के अलोंग होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये हम ये एप्साइलन या कोई भी नोटेशन ले सकते हैं, या कोई भी नोटेशन ना लें वो भी चलेगा, हम इसको जनरली इससे डिनोट करते हैं स्ट्रेन को। और यहाँ पे स्ट्रेस मैंने लिखा दी है, लेकिन स्ट्रेस को हम ये सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये जनरल हमने ऐसी नोटेशन ले रखा है सिग्मा, और ये एप्साइलन कहलाता है। तो स्ट्रेन को हम एप्साइलन से डिनोट करते हैं। क्योंकि ये सबसे आसान फॉर्मूला है, तो हमने डायमेंशन में यही फॉर्मूला यूज कर लिया था। इसकी हेल्प से हमने स्ट्रेन की डायमेंशन निकाली थी, जो कि डायमेंशनलेस है। तो मैं फिर से ये एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर ये कोई भी हम हैवी वेट लगा दें यहाँ पे वायर में, ये जो भी वेट लगाएंगे इस वेट की वजह से, ये वेट क्या करेगा, इस वायर को पुल करेगा, खींचेगा नीचे। ये वेट की वजह से इस वायर को पुल करेगा, तो इस पुल करने की वजह से इसकी लेंथ बदल जाएगी। तो मान लें इसकी जो इनिशियल लेंथ है वो एल है, तो बाद में जो लेंथ जाएगी इसमें इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल है, तो फाइनल जो लेंथ हो गई एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगी। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल लिया, ये 2 मीटर वायर था मान लो, इस पे हमने कुछ भी लोड लगाया, 100 केजी, 200 केजी, 300 केजी, कोई भी ऐसा एक यहाँ पे लोड लगा दिया, ये फोर्स लगा दी, तो वो फोर्स इस वायर को पुल करेगा, इसकी वजह से इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो मान लें वो 2 मिलीमीटर चेंज हुआ लेंथ में, तो ये 2 मिलीमीटर यहाँ पर आएगा और 2 मीटर नीचे आएगा, दोनों मीटर मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, दोनों की डायमेंशन सेम है इसलिए डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। और लेंथ का जो रेशो होता है उसे हम इस टाइप के स्ट्रेन को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं, क्योंकि लेंथ को हम लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। तो लेंथ के अलोंग चेंज हो रहा है इसलिए इसका नाम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। और ये जो हम स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ रहे हैं, बाद में अभी हम आगे इनका रेशियो देखने वाले हैं, जो कि हमने पहले डायमेंशन में यूज भी किया था फर्स्ट चैप्टर में, तो इनका जो रेशियो होगा वही हमें मॉडुलस देगा। और हमने डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस पढ़े, डिफरेंट टाइप के स्ट्रेन पढ़े, तो जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन के कॉम्बिनेशन ऐसे लेंगे, उनसे अलग अलग तरह के हमें मॉडुलस मिलेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसे ही हम कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, उसे ही हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, जो कि हमने डायमेंशन में ऑलरेडी पढ़ा था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसी तरह दूसरी टाइप का स्ट्रेन है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम,
सर इसमें चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव लेंगे? वो हम स्ट्रेन माइनस डेल्टा वी अपॉन वी लेते हैं, माइनस साइन खुद इसलिए लेते हैं क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हो रहा है जिससे वो पॉजिटिव बन जाए। तो वो हम जब अभी आगे डिस्कस करेंगे वहां पे लेंगे, अभी तो फिलहाल ये देख रहे हैं चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, उसे हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कह रहे हैं। तो अगर वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो गया तो डेल्टा वी पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव आएगा, और नहीं तो डेल्टा वी अपॉन वी नेगेटिव आएगा अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। जैसे हमने एग्जांपल लिया कोई भी बॉल है, हम उसको अगर हम वाटर में बहुत नीचे ले जाएं तो चारों तरफ से उसके ऊपर प्रेशर लगेगा, और जो कि ऑलमोस्ट सेम प्रेशर लगेगा, क्यों, बॉल की जो हाइट है या बॉल की डायमेंशन है और पॉन्ड की डायमेंशन बहुत लार्ज होगी तो वो ऑलमोस्ट सेम प्रेशर लगेगा। अगर बॉल का साइज हम छोटा ले लें तो उस पर चारों तरफ से एक जैसा ही प्रेशर लग रहा होगा, तो उस प्रेशर की वजह से वो प्रेशर वहाँ स्ट्रेस का काम करेगा, और उसकी वजह से क्योंकि वो चारों तरफ से उसे कंप्रेस कर रहा है, दबा रहा है बॉल को, तो वो प्रेशर की वजह से उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। तो ये चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, इसे हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। तो ये भी डायमेंशन लेस हुआ, तो कोई भी स्ट्रेन यूज करें वो डायमेंशन लेस है। पर आपने जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बताया था इसके अंदर इंक्रीज इन लेंथ, अगर डिक्रीज हो तो भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लगेगा? तो भी लॉन्गिट्यूडनल लगेगा, लेंथ में चेंज हो रहा है ना, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। ओके सर। इसी तरह से शियर स्ट्रेन होता है, एक जिसे हम थीटा लेते हैं, थीटा स्मॉल हो तो वो टेन थीटा के इक्वल हो जाता है, और ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। तो ये सपोज कोई हमारा क्यूबॉइड है और उस पर हमने ये इस सरफेस के पैरल ये पैरल फोर्स लगाई, तो इसकी वजह से ये जो फेस है इसका ऊपर वाला फेस आगे चला गया थोड़ा, तो ये जो फेस है सर मतलब इसका जो बॉटम है वो फिक्स्ड है ग्राउंड से या फिर जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है नीचे? क्या होगा सर जो इसका बॉटम वाला फेस है हाँ रेक्टेंगल का वो हाँ नीचे फिक्स्ड है? वो फिक्स नहीं, हम उसे फिक्स मान रहे हैं, मतलब तभी तो हम देखेंगे कि इसके और इसके बीच में क्या चेंज आया है ना। तो ये फोर्स लगाने से ये इसके कंपैरिजन में ये डिफॉर्म हो जाएगा, ये वाली सरफेस टिल्ट हो गई यहाँ वर्टिकल से, यही एंगल थीटा है और थीटा स्मॉल है, थीटा को हम 10 थीटा ले लें तो ये परपेंडिकुलर अपॉन डिस्टेंस एक्स अपॉन एल, वही हमारा शियर स्ट्रेन है। तो एक्स हमारे क्या हुआ, ये जो हमारे दो पैरेलल प्लेन है उनमें रिलेटिव डिफरेंस आ गया डिस्टेंस का, ये पैरेलल इसमें रिलेटिव चेंज कितना हो गया एक्स, और ये दो पैरेलल प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस है वो एल है। तो हमने ऐसे फोर्स लगाई, अप्लाइड फोर्स टेंजेंशियल फोर्स, इसकी वजह से जो फेस है ये अपनी जगह से स्लाइट मूव कर जाता है ऐसे,
तो ये अगर मूवमेंट इसका स्लाइड एक्स है, ये बहुत स्मॉल होता है, एक्स अपॉन एल, उसे हम शियर स्ट्रेन कहते हैं। तो जहां पे हम टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं वहां पे शियर स्ट्रेन आ जाता है। तो ऐसे हमारे ये डिफरेंट टाइप के स्ट्रेन आए। यहां तक समझ में आया आपको? ये बताओ मुझे, तो फिर ये जो थीटा है, ये थीटा इक्वल होगा तो फिर एक्स भी इक्वल होगा? थीटा इक्वल होगा किसके इक्वल होगा? थीटा नहीं, जो थीटा यहाँ से डिफॉर्म फोर्स में जो यहाँ थीटा आ रहा है, ये वही जो आगे वाला थीटा है, इसके दोनों तो ये तो दोनों ऐसे ही डिफॉर्म हो गए ना। ये अगर एक्स गया तो ये भी एक्स ही आएगा इधर। ओके सर, तो वो तो हमें कोई एक जगह मेजर करना है कि पहले ये वर्टिकल थी ये वाला फेस, अब अपनी जगह से ये स्लाइड डिस्प्लेस हो गया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको मैंने ये एक्स ले लिया, और ये जो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, ये एल है यहाँ पे, तो एक्स अपॉन एल। तो ये भी डायमेंशन लेस हो गया क्योंकि लेंथ अपॉन लेंथ है, लेकिन इसमें लेंथ एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक्स और एल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो उसे हम शियर स्ट्रेन कहते हैं। ये टेंजेंशियल फोर्स की वजह से होता है। तो ब्रीफली हमें ये समझ में आया, स्ट्रेन का मतलब चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। और ये इतने टाइप के स्ट्रेन है हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक एंड शियर स्ट्रेन। ये समझ में आए आप लोगों को? बताओ मुझे। यस सर, यस सर। तो अब ये जो हमने ये जो तीन तरह के स्ट्रेन पढ़े ना, इन तीन स्ट्रेन को यूज करते हुए हमें तीन मॉडुलस आगे मिलने वाले हैं। और मॉडुलस मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन अभी हम पढ़ेंगे, उसका रेशियो को हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। तो उस मॉडुलस से हमें उस जो भी मटेरियल होता है उसकी स्ट्रेंथ का पता चलता है, और उसी के हिसाब से हम जो क्रेन होती है, उसकी रोप्स होती हैं, उनकी स्ट्रेंथ हम ऐसे डिजाइन करते हैं जिससे कि उस पर हैवी लोड हो तो वो टूट ना जाए। तो ये लोड हम ऐसे डिजाइन करते हैं, नहीं तो फिर वो रिस्क हो सकता है। पता चला क्रेन ने कोई ऑब्जेक्ट उठाया और वो बीच हवा में उठा रहा था, और बीच में अगर उसकी रस्सी टूट गई तो सोच लें आप कि वो जिसके ऊपर गिरेगा नीचे, वो कितना बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? Yes, yes, sir. Yes, sir. तो बहुत डेंजरस हो जाएगा। इसलिए अलग अलग कैपेसिटी की क्रेन्स आती हैं, अलग अलग कैपेसिटी वाली क्रेन होती है। जैसे ये 10 टन उठा लेगी, ये वाली क्रेन 20 टन उठा सकती है, ये वाली क्रेन 30 टन उठा सकती है। तो वो लोड के हिसाब से वो क्रेन मंगाई जाती है, और वो क्रेन उस हिसाब से लोड को उठाती है। तो उसका जो वायर है वो टूटना नहीं चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि वो वायर तब भी वो किसी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, तो बहुत बड़ी बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है उसकी वजह से। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? यस यस सर, यस। अब आगे चलते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बस ये थोड़ा सा ये है कि इसमें फॉर्मूले ज्यादा आते जा रहे हैं। क्यों? पहले स्ट्रेस याद करो डिफरेंट टाइप के, फिर ये स्ट्रेन याद करो, बाद में तो इनके रेशो ही लेने। तो एक बार ये याद कर लिया तो, लेकिन फॉर्मूले और ग्राफ, थोड़े ग्राफ भी आते जा रहे हैं। तो ये चैप्टर जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं ना, वैसे वैसे हमारे चैप्टर में हमारा लर्निंग मटेरियल ज्यादा होता जा रहा है। तो वो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है स्ट्रेस का, उसकी वजह से हमारे ऊपर भी स्ट्रेस आ रहा है, माइंड हमारा स्ट्रेस में आ जाता है। कब? जब हमारे हमें लगता है कि हमें एक या दो या तीन फॉर्मूले बताए जाए, लेकिन हमें बहुत सारे फॉर्मूले बता दिए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बोला जाता है हमसे करने के लिए, तो वो भी हमारे ऊपर एक स्ट्रेस है। हमें लगता है कि हम इतना सारा कैसे करें। समझ रहे हैं हम? यस सर, यस सर। हाँ, तो वो भी एक स्ट्रेस होता है, और उस स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन आ जाता है। कैसा मूड खराब हो गया, वो स्ट्रेन है। पहले हमें स्ट्रेस आया, और स्ट्रेन की वजह से हमारा फेस का एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाता है, क्योंकि हमारा मूड कभी अच्छा होता है, कभी हमारा मूड थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो अगर हमारा वर्कलोड बढ़ जाए तो कभी कभी कहते हैं उसका जो है फेस देखो, वो अंडर स्ट्रेस लग रहा है, या स्ट्रेन फेस है, स्ट्रेन आ रहा है उसके ऊपर, बहुत स्ट्रेन पड़ रहा है, अभी थोड़ा सा वर्कलोड कम करना पड़ेगा।
तो ये वो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, वो माइंड के ऊपर स्ट्रेस है, और ये हम फिजिकल जो क्वांटिटीज है उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन स्टडी कर रहे हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। तो इस आगे हमें पढ़ना है हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। लेकिन लेकिन क्या, लेकिन उस डेफिनेशन में ये एक टर्म आएगी जिसे हमें पहले पढ़ना पड़ेगा। इसे कहते हैं इलास्टिक लिमिट। और ये इलास्टिक लिमिट क्या होती है, जिसकी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि हमें इलास्टिक लिमिट वो मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू है, जितनी हम जितना कि हम मैक्सिमम स्ट्रेस उस वायर पे या किसी भी चीज पे लगाएं, जिससे कि जब हम स्ट्रेस हटा दें तो वायर अपनी शेप रिगेन कर ले, परमानेंट डिफॉर्मेशन ना जाए। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस है जितना हम अप्लाई कर सकते हैं उसे ही हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं, और अगर हमने उससे ज़्यादा स्ट्रेस लगाया तो फिर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है। सर मतलब रिस्टोरिंग फोर्स की मैक्सिमम लिमिट हुई नहीं? फोर्स के लिए स्ट्रेस स्ट्रेस कहलाती है। तो इलास्टिक तो कहते हैं जो परमानेंट चेंज आता था। एक मिनट पहले सुनते हैं थोड़ी देर। तो इलास्टिक लिमिट क्या हुई, मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन बी अप्लाइड सच दैट द बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ स्ट्रेस। मैक्सिमम स्ट्रेस जिसे हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे, ऐसे अप्लाई करें कि बॉडी में से अगर हमने वो स्ट्रेस हटा दें, वो फोर्स हटा दें, उसकी वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है उसका नाम इलास्टिक लिमिट है। तो मैक्सिमम हमने जो फोर्स अपॉन एरिया, जैसे अभी देखा था सब में अलग अलग स्ट्रेस की डेफिनेशन थी, अलग अलग टाइप के स्ट्रेस थे। तो मान लें वायर के लिए अगर मैं कहूँ, तो वायर के लिए जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, वो मैक्सिमम स्ट्रेस जितना हम ऐसा मैक्सिमम स्ट्रेस जिसे लगा के अगर हम हटाएं तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन ना आए, वायर की अपनी ओरिजिनल शेप आ जाए, उसे हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। अगर उस स्ट्रेस से हमने ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई किया तो स्ट्रेस रिमूव करने के बाद भी वायर में परमानेंट चेंज आ जाएगा, परमानेंट लेंथ में इंक्रीज आ जाएगा, यानी वायर की शेप परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो गई, हमने कोई स्ट्रेस नहीं दे रखा तब भी डिफॉर्मेशन आ जाएगा। तो ऐसे मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेस जो हम लगा सकते हैं उसका नाम इलास्टिक लिमिट है। समझ में आया ये आपको? हाँ, यस तो अब हमें भी एक लिमिट तक ही स्ट्रेस लेना चाहिए, उससे ज्यादा स्ट्रेस हमारे लिए डेंजरस है। सर हाँ जी। सर रिस्टोरिंग फोर्स और स्ट्रेस सेम है? नहीं, समझ लें समझ लें। रीस्टोरिंग फोर्स तो न्यूटन में होगी, है ना, और जब उसको हम एरिया से डिवाइड करेंगे वो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है। ओके सर। तो
ये हुक्स लॉ हम देखेंगे, और इस हुक्स लॉ से ही हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन करेंगे। तो ये जो है साइंटिस्ट है, उन्होंने ये लॉ दिया था, विद इन द इलास्टिक लिमिट the stress is directly proportional to strain. तो ये स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और हमें पता है जब ये साइन हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाता है, इसलिए स्ट्रेस इज इक्वल टू ये कांस्टेंट सी इनटू स्ट्रेन। सी हमारा एक कांस्टेंट है, और ये जो सी है हमारा, यहां से ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो गया, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट का नाम ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। सर यही तो हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पढ़ा था। इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ elasticity or coefficient of elasticity. तो ये अभी हम आगे और पढ़ने वाले हैं। ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है, ये किसी गिवन मटेरियल के लिए फिक्स होता है। जैसे स्टील ले लें हम, तो स्टील का अगर वायर ले रहे हैं और वायर की तरह लोड लगाएंगे, यानी टाइप ऑफ लोड कैसे लगाना है, तो वो हमें कंफर्म होना चाहिए, और दूसरा उसका मटेरियल। तो इस दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, यानी मटेरियल के ऊपर और एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स कैसे अप्लाई करनी है उसके ऊपर। तो स्टील, जैसे स्टील वायर है, तो उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे हम यंग्स मॉडुलस अभी आगे पढ़ने वाले हैं, तो वो फिक्स होता है। तो अगर हमें ये पता है और ये फिक्स क्वांटिटी है, तो इससे हम ये भी देख लेते हैं कि कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए कितना स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, यानी मैक्सिमम स्ट्रेस हम कितना लगाएं, या जो भी हम स्ट्रेस लगा रहे हैं, लोड लगा रहे हैं, उससे उसमें लेंथ में कितनी चेंज होगी। अगर वो चेंज इन लेंथ हमारे जो लिमिट है, जितना हम चाहते हैं उसके अंदर है, तो ठीक है। अगर हमें लगता है ये तो ज्यादा चेंज हो रहा है, स्ट्रेन ज्यादा हो रहा है, तो फिर हम रिड्यूस कर देंगे। तो इससे हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं, और अगर हमें स्ट्रेस मालूम है, इसके अंदर इतनी फोर्स लगेगी, उससे इतना स्ट्रेस आएगा, तो इससे हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लेंगे करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस के लिए। और करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस के लिए जब हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लेंगे, तो यानी कि हमें डायमीटर पता लग जाएगा, इस वायर का डायमीटर इतना होना चाहिए।
इतना स्ट्रेन चेंज, लेंथ में स्लाइट चेंज होनी चाहिए, वो चेंज हम यहाँ रख देंगे, इतना चेंज हो, इतनी फोर्स लगाई, और ये हमें पता होगा तो उससे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम निकाल लेंगे। यानी हमें वायर पता चल गया कि वायर का डायमीटर हमें कम से कम इतना लेना चाहिए, तो ऐसे हम वायर डिजाइन कर लेंगे। तो यहां तक हमने पढ़ा हुक्स लॉ। हुक्स लॉ विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन एक कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है इसी को हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। यहां तक बोलो आप, कोई डिफिकल्टी? इसमें जो स्ट्रेन आएगा वो टेम्परेरी होगा? हाँ, टेम्परेरी स्ट्रेन होगा, जब तक लोड लग रहा है तब तक के लिए स्ट्रेन है। ओके, इतनी देर से हम यही तो स्टडी कर रहे हैं, जब तक फोर्स लग रहा है तब तक स्ट्रेन रहेगा, फोर्स हटा दिया स्ट्रेन खत्म। यस सर। हाँ, तो इसके बेसिस पे हमारे डिफरेंट टाइप के मॉडुलस हैं, उसमें से हम फर्स्ट स्टडी कर रहे हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये जो मॉडुलस है ना, ये हमें अजीब लगता है, ये नाम कैसा नाम आ गया, मॉडुलस क्या है ये? मॉडुलस मतलब यहाँ पे कांस्टेंट की तरह है, कोफिशिएंट कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है, क्या मेजर कर रहा है? इलास्टिसिटी मेजर कर रहा है। ये साइंटिस्ट का ऑनर करने के लिए साइंटिस्ट का नाम दिया है। तो ये इस टाइप का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कब यूज करते हैं? वायर के केस में। तो सपोज हमने ये वायर लिया, इस पे लोड लगाया, तो इस पे हमने ये एफ फोर्स लगाई, एल इसकी ओरिजिनल लेंथ है फोर्स लगाने से पहले, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ या इंक्रीज इन लेंथ है हमारी, तो ये फोर्स लगाने से लेंथ पहले एल थी उसमें इतना चेंज हो गया, इतना इंक्रीमेंट हो गया, और ए हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ये जो भी वायर है इसको कट कर दें तो कट करने के बाद जो एरिया हमें दिखाई देगा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो आपको मालूम है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। तो यंग्स मॉडुलस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? यंग्स मॉडुलस इसको वाई से हम डिनोट करते हैं, वाई इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेस है, अभी हमने आगे पहले ही पढ़ लिया है, स्ट्रेस है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, और जो स्ट्रेन है डेल्टा एल, ये चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। तो जहां भी हमें यंग्स मॉडुलस निकालना है वायर के लिए या रोप के लिए, जिसकी भी लेंथ के अलोंग कोई लेंथ गिवन होगी, वो वायर है या रोप है, उसके ऊपर फोर्स लग रही है, जनरली ये मेटेलिक वायर होंगे, मेटेलिक वायर्स, क्योंकि हम हैवी फोर्स लगाएंगे,
तो वो फोर्स अपॉन एरिया हमें स्ट्रेस देगा, ये हमें स्ट्रेन देगा, इसका रेशियो हमें यंग्स मॉडुलस दे रहा है। अब इतने वेरिएबल हैं, इसमें से हमें जो भी अननोन होगा वो इस फॉर्मूले में से निकाल लेंगे, बाकी सारे वेरिएबल हमें गिवन होंगे, तो इसका नाम यंग्स मॉडुलस है। तो ये हम कब यूज करेंगे, जब हमें वायर के ऊपर कोई फोर्स लगा रहे होंगे। इसी तरह और भी टाइप के मॉडुलस हैं। तो नेक्स्ट मॉडुलस जिसे हम कहते हैं बल्क मॉडुलस, मैं उस पे जा रहा हूं। पहले यहां तक समझ में आ गया? हाँ, अगर देखा जाए, अगर हमें ऐसा कहा जाए कि चैप्टर को दो तीन लाइन में ही याद कर लो, चैप्टर को दो तीन लाइन में ही हम याद कर लें, मतलब मेन मेन पॉइंट, तो बड़ा आसान है। सिर्फ इतना चैप्टर है कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू मॉडुलस, तो इसमें काफी हद तक हमारा 90% चैप्टर आ जाता है। समझ रहे हैं, इतना आसान है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू मॉडुलस। और ये हमने देखा है तो डायमेंशन में पहले ही पढ़ लिया था, है ना? यस। यानी हमें, लेकिन वहां पे हमें फोर्सफुली याद करना पड़ा था, समझ में हमें इतना नहीं आया था क्योंकि इतना डिटेल में नहीं हुआ था, तो वहां पे हमें जबरदस्ती लर्न करना पड़ा था शुरू में, लेकिन कोई ऑप्शन भी नहीं था। अब अगले मॉडुलस पे चलता हूँ जिससे हम कहते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है हम उसे जनरली के से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं बी से भी डिनोट करते हैं ऐसे, तो के नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जो भी कोई हम शेप लें, जनरल मैंने ये मतलब ऐसी एक शेप ले ली है मैंने, लेकिन इसकी शेप कोई भी हो सकती है। इस पे हम चारों तरफ से स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा सरफेस के परपेंडिकुलर, इसलिए नॉर्मल स्ट्रेस हो, लेकिन वो प्रेशर ही है, चारों तरफ से प्रेशर लग रहा है, तो इसका पहले वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम सपोज भी है तो फाइनल वॉल्यूम वी माइनस डेल्टा भी है। क्यों? क्योंकि ये जो हम फोर्स लगाते हैं या प्रेशर लगाते हैं, इसकी वजह से ये प्रेशर लग रहा है, फोर्स अपॉन एरिया, तो हमेशा इसमें वॉल्यूम डिक्रीज ही होता है क्योंकि प्रेशर कंप्रेस कर रहा होता है, चारों तरफ से प्रेशर लगेगा सरफेस के परपेंडिकुलर और वो ऑब्जेक्ट को कंप्रेस कर देता है, तो ये वॉल्यूम जो है ये v माइनस डेल्टा v है। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रेन को हम नेगेटिव साइन के साथ ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि डेल्टा v मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, और फाइनल वॉल्यूम कम हो गया तो डेल्टा v ऑलरेडी माइनस है, तो यहाँ पे ये प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी अपॉन वी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये ध्यान रखना है फाइनल आंसर में कहीं माइनस नहीं आएगा, सारे माइनस माइनस सब कैंसिल कर देने हैं, तो माइनस डेल्टा वी ऑलरेडी हम जो डेल्टा वी यहाँ रखेंगे, या तो हम पॉजिटिव रखें
या माइनस साइन है तो डेल्टा वी माइनस में रखेंगे, जिससे माइनस माइनस प्लस में हो जाए। तो माइनस हमने इसी ले लिया है क्योंकि हमें पता है डेल्टा वी नेगेटिव है यहाँ, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए। तो ये हमारा बल्क मॉडुलस आया, और ये बल्क मॉडुलस अभी हम देखेंगे आगे गैसेस में पढ़ेंगे, इलास्ट थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में भी है और वो फिजिक्स में भी आएगी थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में हमारे आइसोथर्मल प्रोसेस होंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस होंगे, तो वहाँ पे गैसेस के लिए अलग अलग टाइप के बल्क मॉडुलस आएंगे, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस, वो सब हमें इससे निकालना है। बेसिक रूल हमें ये याद रखना है कि न्यूमेरिकल जब भी कर रहे हो तो सारे माइनस साइन कैंसिल करके सब टर्म पॉजिटिव लेनी है, तो अपने आप सही आंसर आ जाएगा। तो के हमारा माइनस पी वी अपॉन डेल्टा वी, ये हमारा बल्क मॉडुलस हुआ। तो ये डेल्टा वी अपॉन वी माइनस साइन के साथ, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, ये स्ट्रेस यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारा प्रेशर ही होगा, इसलिए डायरेक्टली प्रेशर ले लिया। स्ट्रेस यहाँ प्रेशर ही स्ट्रेस का काम कर रहा है। तो अभी पूछे थे तो कई जगह तो लोड काम कर रहा था लेकिन यहाँ प्रेशर ही स्ट्रेस का काम कर रहा है। तो स्ट्रेस का काम स्ट्रेस की तरह कैसे काम कर रहा है कि ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे ये प्रेशर स्ट्रेस की तरह काम कर रहा है, तो इसलिए प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसका नाम बल्क मॉडुलस है। और ये जो बल्क मॉडुलस है इसके रेसिप्रोकल को हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू सिंपल रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। सर एच इनटू डेंसिटी इनटू वो नहीं आएगा ग्रेविटी, रेसिप्रोकल ऑफ, एक मिनट, बल्क मॉडुलस वो जो हम कह रहे हैं ना प्रेशर एच रो जी, वो तो तब आएगा जब हमें कोई वाटर सपोज या कोई लिक्विड गिवन है, उसकी उसमें डेप्थ गिवन है, वो एच है, डेंसिटी गिवन है, तब हम उसके अंदर प्रेशर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम एच रो जी लगाएंगे, है ना। और अगर हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली प्रेशर दिया है तो हम ये प्रेशर यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, और अगर हमें फोर्स लग रही है और एरिया दिया है तो फोर्स अपॉन एरिया से निकाल के रख देंगे प्रेशर। तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कैसा दिया हुआ है, ठीक है। जहां पे लिक्विड के अंदर ऑब्जेक्ट होगा, हाइट दी हुई है, वहां पे प्रेशर हम एच रो जी, जो प्रेशर का फॉर्मूला है लिक्विड के लिए, वो यूज करेंगे। लिक्विड या गैसेस यानी फ्लूइड के लिए प्रेशर इक्वल टू एच रो जी। तो ये फ्लूइड के लिए जहां पे ये क्वांटिटीज गिवन होंगी वहां ये यूज करेंगे, है ना। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया बेटा? यस सर। यस। हाँ तो अब हम क्या करें, अब हम इसके कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं कुछ, ठीक है। तो अब हमारा एक मॉडुलस बच गया, दो मॉडुलस हमने पढ़ लिए, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, वो हम अगली क्लास में करेंगे।
तो हमें ये स्टील रॉड गिवन है, उसकी रेडियस 10 मिलीमीटर है, की लेंथ 1 मीटर गिवन है, ये फोर्स ऑफ हंड्रेड किलो न्यूटन इज अप्लाइड So this force stretches it along its length. तो हमें ये रॉड जिसकी रेडियस ये है, लेंथ ये है, उस पर ये फोर्स लग रही है 100 किलो न्यूटन और वो इसे स्ट्रेच कर रहा है इसकी लेंथ के अलॉन्ग इस रॉड को. तो हमें जो जो कैलकुलेट करना है वो मैं लिख रहा हूँ, कैलकुलेट नंबर वन स्ट्रेस एंड नंबर टू एलोंगेशन एंड नंबर थ्री स्ट्रेन ऑन द रॉड and given Young's modulus of steel y of steel हमें ये given है 2 × 10^11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो हमें ये यंग्स मॉडुलस के बारे में हमें ये सब चीजें फाइंड करनी है. तो फॉर्मूला हमारे पास है, पहले आप ट्राई कर रहे हैं फिर हेल्प ले लेंगे. ट्राई करते हैं. डन सर. वेरी गुड. तो बाकी लोग ट्राई करने देते हैं अभी. तो मैं ये मान रहा हूँ कि काफी लोगों ने कर लिया है इसलिए डिस्कस कर लेते हैं, है ना? आप लोगों ने कर लिया सबने ऑलमोस्ट. अभी एक मिनट रुको. एक मिनट रुको. हाँ रुक जाता हूँ.
तो अब क्या जाए, अब हो गया सबका। अब देखते हैं स्ट्रेस निकालने के लिए, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स हमारा 100 किलो न्यूटन, इसको न्यूटन में रखेंगे, 100 इंटू 10^3, और एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर, और रेडियस को हम मीटर में चेंज करेंगे, तो ये हो गया 10^5 या 22/7 वो आपकी चॉइस है, और रेडियस है 0.010 मीटर स्क्वायर, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 3.18 × 10^8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फर्स्ट आंसर देखें आप लोगों का सेम आ रहा है? Yes, sir. अब सेकंड में हमें इलोंगेशन फाइंड करना है, तो इसमें हम यंग्स मॉडुलस यूज करेंगे। यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, हमेशा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन इज डेल्टा एल अपॉन एल, तो ये फॉर्मूला बन गया एफ। इसमें से इलोंगेशन डेल्टा एल है हमारा, इलोंगेशन यानी लेंथ कितनी बढ़ गई, तो ये आ गया एफ एल अपॉन ए इंटू वाई, इसमें से एफ अपॉन ए तो हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है, और एल अपॉन वाई और रख देंगे, तो एफ अपॉन ए जो कि स्ट्रेस है और लेंथ है हमारा 1 मीटर, और यंग्स मॉडुलस स्टील का ये दिया हुआ है, तो ये आ गया 1.59 × 10^-3 मीटर। ये इतने मिलीमीटर। और अब हमें निकालना है स्ट्रेन, स्ट्रेन है हमारा डेल्टा एल अपॉन एल, सेम डायमेंशन यूज करनी है, सेम यूनिट 10^-3 मीटर अपॉन 1, तो यही हमारा स्ट्रेन आ गया 1.59 × 10^-3 डायमेंशनलेस, क्योंकि स्ट्रेन डायमेंशनलेस होता है। और कभी कभी ये परसेंट में गिवन होता है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंट में आएगा 0. अगर परसेंट में पूछा है तो हम ऐसे कर देंगे, इनटू 100 कर दिया हमने इसको, तो हमारा ये आंसर आया। देखें क्लास सबका ही आंसर आ रहा है? Yes, sir. Yes. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। किसी को कोई डिफिकल्टी है यहां तक तो बताएं मुझे। नो सर। आपने परसेंटेज कैसे नहीं करा था? परसेंटेज इनटू 100 कर दिया, जो भी क्वांटिटी है इनटू 100 कर दें तो वो परसेंट में आता है, परसेंट का मतलब अपॉन 100 है, इसको 100 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रबर स्ट्रिंग टेन मीटर लॉन्ग is suspended from a rigid support. तो आपको कैलकुलेट करना है एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग, कैलकुलेट द ड्यू टू इट्स ओन वेट density of rubber सर ये गिवन होगी डेंसिटी क्वेश्चन में केजी पर मीटर क्यूब. हाँ ये गिवन है. यंग्स मॉडुलस फॉर रबर इज 5 × 10⁶. और जी हम ले लेंगे 10 m/s². ये सब हमें गिवन है. और एक हिंट दे रहा हूं आपको, तो जो इसका वेट है वो इसके कहां सेंटर ऑफ मास पे काम करेगा, तो इसकी लेंथ के मिड पॉइंट पे उस वेट को एज्यूम कर लेंगे. तो इसलिए इसकी जो लेंथ हो गई स्ट्रिंग की वो 5 m मान लेंगे क्योंकि वो सेंटर पे वर्क कर रहा है. तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जो अपने वेट की वजह से आता है तो उसकी जो वेट है टोटल वेट वो उसके सेंटर पे ज्यूम कर लेंगे. तो अब पहले आप ट्राई कर रहे हो? यस सर. नो सर. नो सर कि यस सर? यस सर. हाँ ट्राई करते हैं. सर रेडियस. इतने ही क्यों मैंने इसी को यूज करना है, खुद सोचना है. रेडियस नहीं दिए इसीलिए तो इन्होंने इस क्वेश्चन में डेंसिटी दे दी एक्स्ट्रा, है ना. तो क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को एज्यूम कर लो ये, फिर आगे क्वेश्चन करो, फिर देखो क्या होता है. ठीक है. और जब वेट लेंगे तब पूरा 10 m वाला जो लॉन्ग है पूरा उसका वेट लेंगे, खाली जब लेंथ लेंगे स्ट्रिंग की वो लेंथ फॉर्मूले में जो डेल्टा एल अपॉन एल है उसमें एल 5 m लेनी है, बाकी यहाँ जो वेट लेंगे वो पूरा 10 m लेंथ का वेट लेंगे. डन सर. ओके
तो अभी एक दो मिनट रुकते हैं स्टूडेंट, अभी ट्राई करने देते हैं. तो हो गया सबका. डेल्टा एल 0.15 आ रहा है आपका, 0.15 मीटर. यस सर. हाँ 0.15 मीटर राइट आंसर है. यस सर. सबका आ गया. वेट वेट इक्वल टू एम जी और मास होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी, और वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी, जो कि गिवन है 1.5 × 10 to power. जी है 10. और स्ट्रेस जब निकालेंगे तो ये फोर्स अपॉन एरिया, जो वेट है यही फोर्स है, तो एरिया एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 1.5 × 10 to power 5. और जो स्ट्रेन है हमारा डेल्टा एल अपॉन एल, एल हम मिड पॉइंट पे लेंगे इसलिए लेंथ 5, और इसको यंग्स मॉडुलस में रख देंगे. यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. तो यंग्स मॉडुलस है हमारा 5. और इस चेन हमारा डेल्टा एल बाय 5. तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएंगे इसलिए ये आ गया हमारा 0.15 मीटर. तो एक बार बता दीजिए. एक बार और. हाँ देखो ये जो अपने वेट की वजह से निकाल रहे हैं तो उसका वेट ये रॉ ये स्ट्रिंग है, इसके सेंटर ऑफ मास पे ले लेंगे, ये सेंटर ऑफ मास पे इसका टोटल वेट एज्यूम कर लेंगे. ये मेथड है. सर ये सेंटर ऑफ मास का चक्कर समझ नहीं आ रहा. सेंटर ऑफ मास ये जो वेट है ना वो तो सब जगह लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है. यस सर. तो यहाँ पे ऊपर देखें तो ये पूरा वेट आएगा, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं उस पॉइंट पर उसके नीचे वाला वेट वर्क करेगा. जिस भी पॉइंट को कंसिडर करेंगे तो यहाँ वेट कम होता जा रहा है, यहाँ वेट ज्यादा है. तो दूसरा मेथड है हमें इंटीग्रेशन करना है, तो जो इंटीग्रेशन से रिजल्ट आता है वो सेम रिजल्ट है, इसलिए याद रखेंगे कि इसका जो टोटल वेट है इसके मिड पॉइंट पे लगा लें, क्योंकि वेट तो हर जगह लग रहा है ना, इसलिए हमने सेंटर ऑफ मास का यूज किया. तो सेंटर ऑफ मास से टोटल वेट इसका मिड पॉइंट पे वर्क करेगा ऐसा मान लें. तो फिर हमारे क्वेश्चन बदल गया, एल बाई टू लेंथ हो गई, इसमें कितना चेंज आता है. अब यहाँ पे देखें वेट निकालने के लिए मास इंटू जी, और मास है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी इंटू जी. यहां तक आया समझ में?
यस सर। और स्ट्रेस है ये फोर्स वेट अपॉन एरिया, तो वेट अपॉन एरिया, तो ए हमने अज्यूम किया था यहाँ ए और ए कैंसिल हो गए, ये हमें गिवन भी नहीं है लेकिन इसीलिए गिवन नहीं है क्योंकि कैंसिल हो जाता है। और स्ट्रेन हमारा है डेल्टा एल अपॉन लेंथ, जो कि हमने 10 मीटर की हाफ फाइव ली है, उसको यहाँ यंग्स मॉडुलस इसमें रख दिया, इससे डेल्टा एल आ गया। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, तो आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ मैं, ठीक है बेटा? ओके, गुड इवनिंग सर, बाकी नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय स्टूडेंट्स, गुड बाय, गुड बाय, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।